नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मैनू मोड़ते। इस वीडियो में एसएसबी क्लर्क के एग्जाम आने वाले कंप्यूटर रिलेटेड टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। ध्यान नाल देख लो एंड राइट डाउन जरूर कर लो। एंड जो वीडियो बेनीफिशियल लगती तो वीडियो में लाइक तो एक प्यारा जहा कमेंट जरूर कर दियो। ओके दोस्तों, जो तुम यह पीडीएफ फाइल में लेना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिता हुआ, उसमें जाके ज्वाइन कर लो। उस व्हाट्सएप ग्रुप में तुम्हें रेगूलरली ही एक न्यू क्लासेस की लिंक मिल जाएंगे, नाल दी नाल तुम्हें पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो करके एग्जाम की जो परफेक्ट तैयारी करनी है तो ग्रुप में जाके जरूर ज्वाइन कर लो, लिंक तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम आप क्वेश्चन नंबर एक की गल करिए। चार्ल्स बैबज द्वारा डिजाइन किए गए पहले कंप्यूटर का नाम क्या सी? इसको अंतरी इंजन आप पंजाबी लैंग्वेज कह सकते हैं, बट इसका जो नेम से डिफरेंस इंजन इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दो की गल करिए, कंप्यूटर का पिता कौन मनिया जाता है? तो चार्ल्स बैबेज ने 1833 ईस्वी में फस्ट कंप्यूटर बनाया से, इस करके इन्हों चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का फादर मनिया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीन की गल करिए, वाईफाई का पूरा नाम की है? तो वायरलैस फैडलिटी वाईफाई का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर फोर की गल करिए, हेठ लिखे विचों किहड़ा ब्राउजर या वैबसाइट का पहला मुख्य वैब पेज है? जो आप कोई भी ब्राउजर खोलते हैं तो सब तो पहला जो पेज आता उसको आप होम पेज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव की गल करिए, मॉडम किस नाल जुड़िया होंदा है? टेलीफोन लाइन के नाल मॉडम जुड़िया होंदा है। क्वेश्चन नंबर छे की गल करिए, मॉडम शब्द का पूरा नाम क्या है? मॉडुलेटर, डी मॉडुलेटर इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर सात की गल करिए, कोड स्क्रैम्बलिंग की होंदी है? यह इनक्रिप्शन फाइल होंदी है एक। क्वेश्चन नंबर आठ की गल करिए, बिजली की असफलता के दौरान डाटा नुकसान तो बचाने लिए किहड़ा उपकरण वरत्या जाता है? उसनूं आपां यूपीएस के नाम नाल जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म अनइंटरप्यूटड पावर सप्लाई इज द फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर नाइन की गल करिए, कैथोड रे ट्यूब डैश की एक उदाहरण है, यह मोनीटर यूज होंगी है। क्वेश्चन नंबर दस की गल करिए, बाइनरी नंबर डैश कहते हैं, बिट के नाम नाल बाइनरी नंबर जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर इलेवन की गल करिए, वोल्ट का पूरा नाम की है? वॉइस ओवर लोंग टर्म एवोल्यूशन इज द वोल्ट का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की गल करिए, हेठ दित्तियां विचों कि वायरलैस टैक्नोलॉजी 100 MB तो वध डाउनलोड की स्पीड दा समर्थन करती है? तो 4G नैटवर्क ही 100 MB तो वध डाउनलोडिंग की स्पीड दिंदी है। क्वेश्चन नंबर 13 की गल करिए, CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट CPU का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 14 की गल करिए, कंप्यूटर के अंदर किन्नी किस्म की मैमरी होंगी? दो किस्म की मैमरी होंगी, प्राइमरी मैमरी और सेकेंडरी मैमरी। नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, प्राइमरी मैमरी किन्नी किस्म की मैमरी होंगी है? यह दो किस्म की होंगी, भी रैम मैमरी तो रोम। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की गल करिए, रैम मैमरी का पूरा नाम की है? तो रैम की फुल फॉर्म है जी रैंडम एक्सैस मैमरी है। तो एक गल होर दोस्तों, जे तुसी एसएसबी क्लर्क के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक ते वीडियो मेरे चैनल पर देखना चाहते हो तो वह कमेंट में जरूर लिख दो, तो मैं नैक्सट क्लासेस तुहानू उस दे रिगार्डिंग ही प्रोवाइड करवा दिया करांगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की गल करिए, रोम मैमरी का पूरा नाम की है? तो रीड ओनली मैमरी इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 18 की गल करिए, सैकेंडरी मैमरी की एक उदाहरण जिम्मे हार्ड डिस्क होगी, CD ड्राइव होगी, तो DVD होगी, पेन ड्राइव, यह सैकेंडरी मैमरी की ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 की गल करिए, पहले कंप्यूटर की वरतों नाल किस प्रोग्राम की वरतों की गई सी? मतलब मशीनी पहले कंप्यूटर विच किस प्रोग्राम लैंग्वेज की वरतों की गई सी? क्वेश्चन यही कहना चाहता तो उसनू मशीनी भाषा मशीनी लैंग्वेज के नाम नाल जाना जाता है, जिस वे नाल कंप्यूटर चलते सी पहला। क्वेश्चन नंबर 20 की गल करिए, तुसी फाइल में स्टोरेज करके प्रतिबंधित कित्थे कर सकते हो? तो फोल्डर्स विच। क्वेश्चन नंबर 21 की गल करिए, कंप्यूटर नैटवर्क विच किस किस्म के सोर्त दे सांझे स्रोत होने की संभावना है? तो प्रिंटर जिहड़े सांझे स्रोत होंदे ने। एंड नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, इंटरनैट कनैक्शन लई किहड़ा यंत्र जरूरत हुंदा है? तो मॉडम की जरूरत हुंदी है। क्वेश्चन नंबर 23 की गल करिए, लाइट पेन की है? यह एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस हुंदी है। क्वेश्चन नंबर 24 की गल करिए, यूनीवैक का पूरा नाम की है? तो यूनीवर्सल ऑटोमैटिक कंप्यूटर यूनीवैक का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 25 की गल करिए, CD रोम का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 26 की गल करिए, ALU का पूरा नाम की है? अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 27 की गल करिए, VAG का पूरा नाम किया? तो वीडियोग्राफिक एरे इसका। क्वेश्चन नंबर 28 की गल करिए, IBM 1401 की है? यह सैकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होने वाला सिस्टम होंगे है। क्वेश्चन नंबर 29 की गल करिए, MSI का पूरा नाम किया? मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 30 की गल करिए,
3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की समर्था कितनी होती है सेविंग की, तो 1.44 GB जी इसकी समर्था होती है। क्वेश्चन नंबर 31 की गल करिए, वैन का पूरा नाम की होता है, तो वाइड एरिया नैटवर्क इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 32 की गल करिए, माइक्रा का फुल नाम की है, तो मैगनेटिक इंक करैक्टर रीडर इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 33 की गल करिए, ई बैडिक का पूरा नाम की है, एक्सटेंड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड इसका फुल फॉर्म है। एग्जाम में दोस्तों इस तरह के जिन्हों का पूरे नेम ने मतलब फुल नेम काफ़ी बार रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, तो करके इन्हों एक बार ध्यान चंगी तरह अपने माइंड में कढ़ लियो और राइट डाउन जरूर कर लियो। क्वेश्चन नंबर 34 की गल करिए, CAD का पूरा नाम क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 35 की गल करिए, जंक ईमेल की कहते हैं, इसनों स्पैम मेल कहा जाता है। ओके दोस्तों, ये तो सी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस तो अलावा मैं थ्योरी विच भी क्लासेस तुहानू अपने चैनल पर प्रोवाइड करा दिती है। जो चंगी तरह कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज लेना चाहते हो तो चैनल में सबसक्राइब करके उन्होंने क्लासेस में एक बार विजिट जरूर कर लो। थोड़े मन में कंप्यूटर रिगार्डिंग जिन्हें भी किंतु परंतु ने जिन्हें भी क्वेश्चन ने सारे क्लीयर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, हम आप मिलते हैं नैक्सट वीडियो में। एंड जो साडा वट्सअप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, उत्थे जाके वट्सअप ग्रुप में ज्वाइन जरूर कर लो।